आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्पेशल, मेरा मोस्ट फेवरेट भुनी मूंग की दाल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने एक कप ना मूंग दाल लिया है और इसको मैं अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और थोड़े देर के लिए सोक करने के लिए रखा है जब तक आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। ये दो चॉप्ड अनियन है और एक टमेटो। एक कप कुकर लें, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल और फिर इसमें थोड़ा जीरा डालें और थोड़ा क्रैकल होने तक रहने दें। और फिर मैं एक रेड चिली, ड्राई रेड चिली डालूँगी। आप चाहो तो ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हो। फिर तेल गर्म होने पे मैं अनियन डालूँगी, उसमें सॉटे करूँगी अनियन को। और फिर थोड़ा सा भुन जाए तो मैं उसमें चॉप्ड टमेटो डालूँगी और फिर थोड़ा नमक, इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी। फिर थोड़े देर सिमर करने के लिए आप रखने दें, 2 से 3 मिनट के लिए। फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, फिर उसको भी अच्छे से आप भून लें। फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि सारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर मैं इसको थोड़े देर के लिए ढक करके रखूंगी। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला है और फिर मैं इसको भी अच्छे से भून लूंगी। अभी थोड़ा सा आप कसूरी मेथी डालें, ये भुना हुआ कसूरी मेथी है, आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। अब हमने जो दाल सोक किया था वो मैं अब डाल दूंगी। मूंग दाल पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसलिए इतना सोक करने का ज़रूरत नहीं है। जब तक प्रोसेस हो रहा है प्याज टमाटर जो हम भून रहे हैं उतने देर तक आप सोक करके रख सकते हो। फिर मैं इसमें प्रॉपर 2 कप पानी डालूंगी। आप चाहो तो अपने कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। बहुत पतली दाल, बहुत गाढ़ी दाल नहीं अच्छी होती है, मतलब मीडियम मीडियम। फिर मैं इसको 1 सीटी तेज पे लगाऊंगी और 1 सीटी या 2 सीटी कम पे लगाऊंगी। अभी विजिल आ गया है मेरा तो अब मैं इसको देखती हूँ खोल करके। दाल तो अच्छी लग रही है। अब इसके सीजनिंग की तैयारी करते हैं। तो सीजनिंग के लिए मैंने 2 स्पून घी लिया है, थोड़ा सा जूलियन जिंजर, आप चाहो तो डायरेक्टली भी डाल सकते हो बट थोड़ा सा सीजनिंग में करूँगी। और फिर थोड़ा पिंच ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसको सीजनिंग करूँगी। तो अगर आपको ये मेरा चैनल, ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें सब बहुत हेल्दी दाल की रेसिपी। थैंक यू सो मच।